भक्ति में इन चीजों की हमें रक्षण करना, इन चीजों को पोषण देना है। अपने भक्तों के संग को, भक्तों के संबंध की रक्षा कीजिए। मेरे किसी कार्य से ऐसा ना हो जाए कि मैं भक्तों के संग से दूर चला जाऊं। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जीवन में धन चले जाना कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है, मान सम्मान चले जाना कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है, भक्तों का संग छूट जाना बहुत बड़ी हानि है। और केवल इसीलिए इतनी व्यवस्था की जाती है। आप देखिए, मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? क्या आप लोग घर में भक्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? घर में डीटी है, हरिनाम होता है, प्रसाद बनता है, भोग बनता है, प्रसाद अर्पण होता है, क्यों चाहिए मंदिर? हम लोग अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। ये इतनी व्यवस्था, इतनी चिंता, इतने जो भी कार्य किए जाते हैं, केवल उद्देश्य भक्त संग में आए और कीर्तन कर सके, भक्त संग में आए और प्रेम के संबंधों को उत्पन्न कर सके, इसके लिए इतनी व्यवस्था। अन्यथा प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि नियमों में से एक नियम है कि बड़े बड़े मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने जब पढ़ा था तो हमने सुना प्रभुपाद ने खुद इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, खुद ही दिख रहे हैं, ये कैसे? तो विरोधाभास। खैर, उसका अगर विस्तार से जाएं तो उसमें लिखा है कि सन्यासी को प्रयास नहीं करना चाहिए, गृहस्थ हैं, कोई बड़े आदमी हैं जिनके पास धन है उनको लगाए, सन्यासी को प्रयास नहीं करना चाहिए कि अपना भक्ति छोड़कर वो मंदिर बनाने में लगे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने किया, एक ही कारण था, एक ही उद्देश्य था, प्रभुपाद चाहते थे कि सब साथ में आए और वो प्रेम को दर्शाएं। साथ में आए बिना ऑनलाइन प्रेम नहीं होता, राइट? दो साल देख लिया हम लोगों ने, ऑनलाइन प्रेम नहीं होता, होता है जूम पर देख देख के, फेसबुक पर देख देख के, 50,000 फॉलोअर होते एक को भी नहीं जानते आप, लाभ नहीं। इस तरह जैसे अभी हम लोग यहाँ आके बैठे हैं, थोड़े समय में सब साथ में प्रसाद लेंगे, साथ में कीर्तन करेंगे, ये भक्ति और ये आनंद देता है। और उसमें भी जैसे कहते हैं कि ना, केक बन जाए और उसके ऊपर आइसिंग और फिर वो चेरी लगती है, वो है प्रेममय संबंध। इसीलिए इसको हमें जीवन में महत्व देना चाहिए। और अगर इस चीज को हमने महत्व दिया तो ये सबसे बड़ा प्रचार होगा हमारे लिए। लोग देखेंगे कि ये लोग खुश क्यों होते इतना साथ में आके, मिलता क्या इन लोगों को साथ में आकर, और जब कीर्तन करते हैं तो ये लोग तो ऐसा लगता है कि किसी दूसरी दुनिया में है। ऐसे प्रेम के संबंध अन्य को आकर्षित करेंगे और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण श्री कृष्ण को आकर्षित करेंगे।